हूं कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग नाकामयाब क्यों हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने के हजार रास्ते हो सकते हैं, लेकिन नाकामयाब होने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है, और वो होता है क्विट कर देना। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है फेल होने का, और वो है छोड़ देना, गिव अप कर देना। ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होते हैं, वरना नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का कोई और रास्ता है ही नहीं। आखिरकार आपकी टीम या आपके लीडर्स या सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ेंगे और क्यों छोड़ते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने के सबसे बड़े चार कारणों का आज मैं खुलासा करूंगा। इन चार कारणों को अगर आज आपने समझ लिया और अपनी टीम को समझा दिया, तो विश्वास मानिए आने वाले 1 से 2 वर्षों के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रच देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने के चार कारणों में से पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि पीपल आर नॉट वेल ट्रेंड। ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बावजूद भी सही तरीके से ट्रेंड नहीं किए जाते, वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। ट्रेंड होने का क्या मतलब है, मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूं। ट्रेंड होने का मतलब है कि उन्हें प्लान देना नहीं आता, प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। ऐसे लोग जिन्हें अपना बिजनेस बताने ना आए, वो बिजनेस में अधिक दिन तक टिकते नहीं है। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी जुड़ रहा है तो उसे एक बेहतर प्रेजेंटर बनाइए, उसे प्लान देना सिखाइए। अगर बिजनेस बताना नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आ रहा, इंसान आपके साथ नहीं टिकेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आज नहीं तो कल वो छोड़ के जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेमिनार्स और ट्रेनिंग मीटिंग्स को मिस करना। जी हाँ, ऐसे लोग जो सेमिनार्स और ट्रेनिंग मीटिंग को मिस करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को एनर्जी और मोटिवेशन नहीं मिलती। जब आप सेमिनार और ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, और आप बहुत अधिक काम करने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार रही जाएंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को आज नहीं तो कल क्विट कर देंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पाते। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बावजूद भी लोग नेगेटिव बात करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने अपलाइंस के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, अपनी ही कंपनी के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं। ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं टिक सकते, उनका शहीद होना बिल्कुल अनिवार्य है। वो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करेंगे, वो अड़ नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते। जी हाँ, वैसे लोग जो अपने अपलाइंस की बात नहीं मानते, अपलाइन को फॉलो नहीं करते, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कभी नहीं होते, वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपलाइंस को ही फॉलो नहीं करेंगे, उनकी ही बात नहीं मानेंगे, तो फिर आप उस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये चार सबसे बड़े कारण है। अगर इन चार कारणों पे आपने काम कर लिया और इन चार कारणों को अपनी टीम में फैला दिया, बता दिया कि यही चार कारण है जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करने वाले हैं, तो अगर आपको पहले से ही ये बात पता चल गई तो आप नेटवर्क मार्केटिंग क्विट नहीं करेंगे, आपकी टीम नेटवर्क मार्केटिंग क्विट नहीं करेंगी। और अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो आप विजेता बन के रहेंगे। बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक